डब्ल्यू पी ओ इन्होंने बोल तो दिया है, पर डब्ल्यू पी ओ का मतलब है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन। एक ये वर्ल्ड में कम से कम 16-17 जगह हमारे अलग अलग संस्था के रीजन्स हैं हमारे। और आज के जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, एक्चुअली एंटी टेररिस्ट के जो दिल्ली के चीफ है मिस्टर एम एस बिट्टा जी है, दूसरा कांग्रेस के जो संजय निरुपम जी है, चरण सिंह सापरा जी है, और एड मैन जिसको हम लोग कहते हैं प्रहलाद कक्कड़ जी, वो खुद आ रहे हैं, बिंदु दारा सिंह है, मुकेश जोशी है, बड़े बड़े और दूसरे अलग अलग कलाकार हैं जो आते आते जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के बाद इस शो के बारे में? कुछ अवार्ड से भी नवाजा जाएगा लोगों को। चाहे वैसाखी का त्यौहार, फार्मर्स का हार्वेस्ट का त्यौहार है, यहाँ पे डांस नाच होता है, पर एक्चुअली ये एक सिख साधना दिवस है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फाउंडेशन ले डाउन की थी सिखों की, और सिखों को एक रिकॉग्नाइजेशन दी थी। इसके लिए ये रिकॉग्नाइजेशन जब मिली थी, ये 5 K के साथ मिली, जो आपको सबको पता है, कंगा कड़ा कच्छा किरपान, सारे 5 ये जो के दिए गए थे सारे, ये सिखों को दिया गया, आइडेंटिफिकेशन सिखों को मिली थी। इसके लिए इसको हम सिख साधना दिवस कहा जाता है, और सिखों और पंजाबियों ने इसको एक वैसाखी को एक बड़े पैमाने में आपको नज़र आया होगा, ये हार्वेस्टिंग की वजह से डांस होते हैं और हमारे सिखों की वजह से भांगड़े हो जाते हैं। आज मस्ताना जी को लेकर आए, हम सब देखेंगे लाइव, और आई थिंक यहाँ से मस्ताना जी भी रॉक कर रहे हैं। पंजाबियों ने बॉम्बे में मस्ताना जी को लाइव बहुत ज़ोर से देखा नहीं है, आज देख लेंगे। वैसे टीवी बाजी मुझे स्टेज पे ले गए थे फर्स्ट शो, तो ऐसा होता है, टीवी बाजी हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जब बुलाते हैं हमारे। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिस्पेक्टेड मेम्बर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बड़े वीर जी टिम्मी मेहता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा मंच मुझे दिया। बैसाखी की शाम है, एडवांस में ही मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ बैसाखी की, और आज खालसा साजना दिवस है, जिवें सारे कहिंदे आपां कि खालसा पंथ की अज नींव रखी गई सी, सो आपां अज खूब रच के भंगड़े पावांगे, बैसाखी मनावांगे। साडे नाल बिग बॉस बॉलीवुड दे बिंदु दारा सिंह बैठे हुए हैं, सो वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का एक बार फिर से शुक्रिया। एक्चुअली क्या है कि ये हमारे कोई ऐसा हमने सीक्वेंस बनाया नहीं होता, जो ऑडियंस की डिमांड होती है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टेज पर जाने के बाद हम देखते हैं ऑडियंस की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, गाएंगे पंजाबी सब कुछ गाएंगे, गुरदास मान साहब से लेके बॉलीवुड तक सब कुछ गाने की कोशिश करें। आपका सबसे पॉपुलर गाना कौन सा है जो आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? जो अभी भैया ने बोला टेंशन कभी ना लेने का, औरों को टेंशन देने का, क्या कहना चाहेंगे? चनी जी के साथ मेरा लगभग 4 या 5 सालों से लग रहा था, और हमने कहा कि मौका बनेगा हम 100% वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाएंगे, और बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आज ये इनका हम इंट्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं, और क्योंकि शादियाँ वहाँ में जितने लोग हैं आज ये इनको लेंगे, इनका आज परफॉर्मेंस से काफ़ी फैमिली को पता लगे कि चनी मस्ताना है। कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग यंगस्टर्स, we want these young pop singers and cultural people to spread the voice of Punjabiyat and create a world more togetherness, and that is what world punjabi organizes. Punjabiyan di shaan hai, Punjabiyan di shaan hai, vekh den lok jidron vi lang jaan, jidron vi lang jaan hai, ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਚਾਣ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਨਚਾਣ ਗੱਭਰੂ 1 2 3 4 ਚੱਕਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੋ, ਭੂਕੰਪ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਆਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹੂਜਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਰਾ ਜੀ, सारे मिल करके हमेशा कोई भी आफत आती है, टिम्मी जी मेहता जी मिलजुल करके अपनी कौम का नाम ऊंचा करते हैं और राष्ट्र की सेवा। बस अभी ऐसे ऐसे जैसे जैसे कोविड खुला है हम लोग फंक्शन रखेंगे, काफ़ी हद तक रखना है फंक्शन, क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग है जो कोविड की वजह से पूरा नहीं हुआ, और अभी हम लोग ने काफ़ी काम करना बाकी है, तो ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली करेंगे, और आज जैसे बैसाखी स्टार्ट किया है ऐसे दूसरे प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, जैसे ऐसे खुला है ऐसे ऐसे दूसरे प्रोग्राम भी स्टार्ट करने हैं। सर डब्ल्यू पी ओ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप?
WPO जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली वी हैड स्टार्टेड एंड आर पायलट प्रोजेक्ट वॉज टू लुक आफ्टर द ओल्ड एज होम, वो हमारा एक प्रोजेक्ट जो मेन है। उसके अलावा हमने डे केयर सेंटर स्टार्ट किया था फॉर एल्डरली पीपल, जिसमें कि वो आके अपना डे स्पेंड कर सकते हैं एंड उनको खाना पीना एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड। ये कोविड की वजह से थोड़ा दिन बढ़ गई, तो नाउ वी आर अगेन गोइंग टू रीस्टार्ट। उसके अलावा WPO में हम अभी काफ़ी कुछ करने वाले हैं, जैसे कि मेडिकल प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल कैंप्स करने वाले हैं अलग अलग जगह पे। तो WPO की प्लानिंग है टू यू नो रीच आउट टू दी टू द पुअर एंड द नीडी पीपल। सर आपका परिचय बंटी हो रहा सर, बंटी क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में जो म्यूजिकल नाइट है? सर हमने म्यूजिकल नाइट आज ऑर्गेनाइज की है, सब कुछ खुलते ही जा रहा है, तो गेट एवरीवन टुगेदर अगेन, सब लाइवली करें सब कुछ। काफ़ी पीछे टाइम खराब देखा है सब ने, तो एक बैसाखी का त्यौहार है, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और सब हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं, जितने हमारी बिरादरी है, सब हमारे साथ जुड़ेंगे, सब शुरुआत से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेन मोटो इस सोशल सर्विस, जितना हो सके जितना प्रोजेक्ट्स हम करेंगे गेट टुगेदर फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, टू हेल्प द सोसाइटी, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द ओल्ड एज पीपल। बेसिकली इट इज़ यूनियन ऑफ पीपल, इसी माने सब भाई परिवार मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, भाईचारा हो जाता है। तो वी वांट टू स्प्रेड वेलनेस एंड ब्रदरहुड, वननेस एंड ब्रदरहुड। दूसरी बात है जो मेंबर नहीं है उनको भी मेंबर भी बनाएंगे, उनको भी साथ में जोड़ेंगे ताकि वी वांट वो भी फैमिली टू ग्रो, फैमिली ग्रो। ये WPO को जैसे जैसे इनको बढ़ाएंगे साथ में और भी मेम्बर जोड़ के उनके साथ दिन रहेंगे। आज हम बैसाखी का त्यौहार WPO की तरफ से यहाँ मनाने आए हैं। आज 2 साल के बाद ये मौका मिला है हमें, ताकि हम फिर अपनी बिरादरी, हम अपने WPO मेंबर्स के साथ में मिलके एक फेस्टिव सीज़न शुरू करें।